वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स मी एन एल जॉर्ज और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे एन एल लाइफ स्टाइल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब बहुत अच्छा करते होंगे अपनी ज़िंदगी में। और आप देखते होंगे कि मैं अब तैयार हूँ और हम लोग कहीं जा रहे हैं, ड्रैगन मार्ट जा रहे हैं, बिकॉज एंजेला को कुछ चीज़ें चाहिए और उसके बाद हम लोग जाएंगे सैलॉन। तो अभी लिफ्ट आ गई है, नोआ साहब अपने प्राम में बैठे हुए हैं तैयार व्यार होके, तो अभी निकलते हैं। जैसे चलते हैं वैसे वैसे मैं आप लोग को साथ लेके चलती हूँ। और ये शर्ट जो है देखें गाइस कितनी प्यारी है, ये आपको पता है मेरी सिस्टर ने मुझे दी है। और ये जो एंजेला ने पहनी है ये मैंने, आज हमने कपड़े स्वैप किए हैं। तो चलते हैं और आप लोग को साथ लेके जाती हूँ, जो जो भी हम एक्टिविटी करेंगे हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो यस गाइस, आज फिर से हम लोग पैदल चलते चलते जा रहे हैं ड्रैगन मार्ट। आजकल हम लोग अपनी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं और ड्रैगन मार्ट तो वो आ गया है, बट यहाँ से हमें सीधा जाना है और फिर टर्न होगी। तो यहाँ पे आते हैं ना, बड़ा अच्छा लगता है गाइस, पुरानी यादें। और कितनी बार मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो खैर, आज मैंने न्यू जूती पहनी है, वो है अलीशा जॉर्ज, मेरे लिए लेके आई थी। थे तो एंजेला के पैसे, पर अलीशा जॉर्ज की भी सेम है, मतलब मेरी छोटी बहन की, उसकी पिंक में है और मेरी ब्लैक में। मैं आप लोग को दिखाऊंगी गाइस। तो यस फ्रेंड्स, हम लोग ड्रैगन मार्ट आ गए हैं और अंदर आके राहत आई है। तो यस गाइस, अंदर आके सुकून की राहत आई है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। आप नुआ का मुंह देखोगे ना, नुआ का मुंह टमाटर की तरह लाल हुआ है। मैंने वाली पूरी ली है और एंजेला ने यहाँ पे समोसा था वो लिया है। तो यस फ्रेंड्स, अभी जो वहाँ से वो लिया था ये मैं खा रही हूँ और ये बहुत मज़े का है। और गाइस, हम लोग यहाँ बाहर आए हैं, चलने की हिम्मत नहीं रही, तो एंजेला भी ऊबर इसने मंगवाई है तो उसमें हम जाएंगे। करीम मंगवाई है तो उसमें हम जाएंगे और उसको भी अब टाइम है। तो एंजेला यहाँ पे बैठ गई है और मैं ये खा रही हूँ, इन्जॉय कर रही हूँ। जो एंजेला ने लिया है वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं है। देयर इज़ अ टन ऑफ ऑयल इन साइड दैट एंड ऑयल कैंस है बीच में, बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल है। तो मैं ये इन्जॉय कर रही हूँ, बहुत मज़े का गाइस। और अभी हम यहाँ ड्रैगन मार्ट के बाहर खड़े हुए हैं गाइस, 2 साल के बाद मेरे जाने। तो यस फ्रेंड्स, हम लोग चल चल के आ गए हैं, अभी हम सैलून आए हैं। मैं यहाँ से सब आईब्रोज बनाऊंगी और पसंद नहीं आई मुझे लग रहा है। तो यस फ्रेंड्स, मैंने आईब्रोज बनवानी है, ये देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगी ऊपर घर और वहाँ पे मैंने आज बनाई है कड़ी, पकौड़ा कड़ी, और उसमें जाके तड़का लगाऊंगी, साथ में चावल बनाऊंगी। जब तक एंजेला है ना, एंजेला सारी की प्रोसीजर करवा लेती जो उसे करवाना है, और मैं नेक्स्ट टाइम आके करवाऊंगी जिस दिन मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा। तो गाइस, ये सैलून तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही हुआ ना, आईब्रो बनवाने के लिए तो मैं इधर ही आती हूँ। और मैं कुछ इस तरह की लग रही हूँ क्या, यहाँ पर कोई पूरा सैलून पूरा शीशे नहीं जो मैं आप लोग को दिखाऊँ। तो चलो चलते हैं, चलो मैं जा रही हूँ। तो यस फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गई हुई थी। घर आके मैंने नोआ को फ्रेश किया, उसके कपड़े चेंज किए, उसे फिट करवाया और फिर मैंने घर पे आके चावल बनाए, अपनी कड़ी में तड़का लगाया। और गाइस, मैं आप लोगों को कड़ी दिखाती हूँ कि इतनी ज़बरदस्त मैंने बनाई है। ये मैंने सेकेंड टाइम अपनी लाइफ में कड़ी खुद बनाई है और बहुत ही यमी बनी है। अब तो फिर थोड़ी सी चखी है, खाना नहीं खाया अभी तक क्योंकि चावल अभी बन रहे हैं, तो मैं आप लोग को वो भी दिखाती हूँ। तो चलें फिर, और घर आके इतना रिलैक्स फील हो रहा है ना गाइस, बहुत रिलैक्स। और मेरे आईब्रो भी गाइस इतने प्यारे उस लड़की ने बनाए हैं ना। खैर, मुझे और भी बहुत काम करवाना था बट टाइम नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं घर आ गई नुआ को लेके। तो अभी मेरी बहन ने भी पूरा कुछ सर्विस नहीं ली, उसने सिर्फ आई थिंक फेशियल और वैक्सिंग करवाई है, तो बाकी वो कल करवाएगी। तो हो सका तो कल मैं आप लोग को जाके दिखाऊँगी कि मेरी बहन क्या क्या करवा रही है। तो खैर, मम्मी और कितनी मज़े की बनाई है। और मेरा मुंह कैसा लग रहा है गाइस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय फेस। तो गाइस, ये देखो मेरी पकोड़ा कड़ी, ये थोड़ी पड़ी पड़ी थोड़ी सी हो गई है थिक,
तो जब हम इसे खाएंगे गर्म करके खाएंगे तो थोड़ी सी वो हो जाएगी, सही है, थोड़ी पतली हो जाएगी, पर गाइस बहुत यमी बनी है, बहुत यमी है। आप देख के बताएं और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसी आप लोग को लग रही है। और ये मेरे चावल बन रहे हैं, चावल बनते हैं तो कड़ी एंड राइस मैं आपको साथ में दिखाऊंगी। तो यस फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग का मेरा नाश्ता ये यम्मी सा, ये मेरी कड़ी पकौड़ा है जो मैंने रात में बनाई थी, मेरा यम्मी सा ताज़ा पराठा और ये मेरी यम्मी सी चाय। चाय तो ऑलवेज माई लव गाइस, कसम से। और गाइस आप मानोगे नहीं, कल शाम में मैंने चाय भी नहीं पी, कसम से। हेलो हाय फ्रेंड्स, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अब हो गया है नेक्स्ट डे। आपने इससे पहले मेरा ब्रेकफास्ट भी देख लिया होगा कि हम लोगों ने कर लिया था, और ब्रेकफास्ट के बाद मैं और नोआ मज़े से सो गए थे। हम दोनों ने बहुत अच्छी नींद वापस पूरी की, बिकॉज नोआ की अब एक रूटीन हो गई है कि रोज़ अर्ली मॉर्निंग ये उठ जाता है, और उसके बाद मैं भी कहती हूँ कि चलो उठ जा, अब खेल, थक, और फिर उसके बाद हम दोनों एक मज़े से नींद लेंगे। तो हम लोगों ने अच्छी से 2 घंटे की नाप लिया, और जो कि बहुत मज़ा आया। अभी भी आप देखते होंगे कि नींद मेरे मुंह पे ऐसे जैसे आंखें सूजी सी हुई हैं, बिकॉज मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी, और साथ में नोआ भी उतनी गहरी नींद में सोया हुआ था। फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अभी नोआ का चल रहा है कोको मेलन, और अभी हो सकता है इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट कर दूँ, बिकॉज नाउ आई हैव टू बी रियली सीरियस इन माई यूट्यूब, क्योंकि हफ्ते की 3 से 4 व्लॉग तो मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव करूँ ही करूँ। तो चले गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अंटिल मुझे मेरे बेटे को अपनी प्रेयर्स में याद रखें। लव एंड सपोर्ट।